मुर्तजा अब्बासी से मेरी बेटी की शादी 2019 में हुई थी और उसके बाद वो वहाँ गई और उसके बाद ही फौरन हम लोगों ने डाइवोर्स ले ली थी उन लोगों की वजह से। क्या वजह क्या थी डाइवोर्स? बस कोई घरेलू जो वजह थी वो उनकी माँ उनको हमारी बेटी को थोड़ा टाचा वगैरह करती परेशान करती थी, इसी वजह से हमने उनसे डाइवोर्स ले ली। ठीक है, नॉर्मल जैसे था, जैसे भाई केमिकल इंजीनियर था, सब लोग देख के तब की थी शादी। नहीं आए, एक मरतबा आया सिर्फ, यहाँ दो मरतबा है। उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा उनसे कोई टच नहीं है। 2019 के बाद सितंबर 2019 में हम अपनी बेटी को वहाँ से लेके आए थे उनके यहाँ से, और उसके बाद उन्होंने भाई मोबाइल के जरिए उन्होंने तलाक दे दी। उसके बाद हमारा उनका कोई किसी तरीके का कॉन्टेक्ट नहीं है, और कोई यही सब जो बातें आपको बता रहे हैं वही उनको बताई हमने, कोई हम उसके बारे में कोई ज़्यादा जानते नहीं चूँकि हमारा उनसे कोई टच ही नहीं है। हम आपको बता चुके हैं हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है उसके साथ, हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं जानते। वो उसका बिहेवियर मेरे से नॉर्मल था, क्योंकि वो जब बातचीत ज़्यादा नहीं करता था तो वो ना वो गुस्सा करता था ना वो अच्छे से बात करता था, बहुत नॉर्मल उसका बिहेव था मेरे साथ, कुछ भी अच्छा नहीं था बुरा भी नहीं था। मेरा शादी के एक हफ्ते 10 दिन में ही चीज़ें होने लगी ऐसी, क्योंकि हमारा दोनों के थॉट्स अलग थे तो इस वजह से। कितने दिन आपके साथ था वो? 1.5 महीना बता रहे हैं, 1.5 महीना साथ में थे हम लोग। नहीं, हमारी उसके बाद कभी फोन पे कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि हम लोगों को भी रिश्ता नहीं रखना था। हमको उसने कभी कोई बहुत परेशान या ऐसा कुछ नहीं किया है। उसकी मम्मी का रवैया मेरे साथ नहीं सही था, उनका बिहेवियर जो भी था वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, पर वो उनके साथ था। अहमद से मेरा कोई ज्यादा मतलब नहीं था, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। ये चीजें कहाँ से आई ये हमें नहीं पता, ये बयान हमने नहीं दिया है। नहीं नहीं वही बोल रहे हैं, वो बयान हमने ऐसा कुछ नहीं दिया है कि कंप्यूटर और फोन से उसका मतलब था, क्योंकि हम कंप्यूटर फोन से उसका कोई मेरा मतलब नहीं था, हमें इतना पता है वो अपने पेरेंट्स के रूम में रखता था फोन कंप्यूटर। अलग बयानबाजी, हाँ ये कहाँ से बयानबाजी है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा आज पहली बार मीडिया से बात हुई, इससे पहले जो आपको मालूम है आए थे उससे पहले मेरी कोई बात नहीं हुई है। नहीं देखा है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहा। लैपटॉप फोन नॉर्मली कोई भी चला सकता है, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो क्या कर रहा है? वो मम्मी के रूम में बैठा है, और वैसे भी हमें इतनी इजाजत नहीं थी पापा मम्मी के रूम में हम बिना पूछे चले जाएं, इस पे हम क्या बोल सकते हैं? वो आप लोग जानते हैं चीजें मेरे से मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत पहले रिश्ता खत्म हो चुका है। अब जो चीजें हो रही है वो जानता है, उसके घर वाले जानते होंगे। क्योंकि आप उसकी पत्नी थी, पत्नी थे 20-25 दिन, 1 महीने का टाइम कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। आप पत्नी थे इसलिए तो इतने सवाल कर रहे हैं मेरे से, वरना अब मेरा क्या रिश्ता? एक दिन में ही मालूम हो जाता है आपको, 1.5 महीना था। आपको लगता है एक दिन में मालूम हो जाता है? अगर हमें पता होता तो हम ये चीजें नहीं फेस करते। आपको पता नहीं था? हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। पता होता तो कोई भी माँ बाप वहाँ शादी नहीं कर सकते थे, या हम वहाँ रह नहीं सकते थे। और हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हमारी बहस हो जाती थी, हमारे थॉट्स अलग थे, उसको लगता था हम नहीं बदल सकते हैं, और हम नहीं बदल सकते थे, रिलीजियस इतने नहीं हो सकते थे जितने वो लोग हैं। तो खत्म हो गई चीजें धीरे धीरे, हमें परेशान किया जा रहा था। हमें जब अपना घर छोड़ के हम वहाँ गए हैं, हमें सुकून नहीं है, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, दिन रात कोई मेरे से बात नहीं कर रहा, अकेले रहते हैं तो हम नहीं करते थे। मेंटली टॉर्चर करते थे, वो भी उनकी मम्मी का इन्वॉल्वमेंट था उसमें। अहमद बहुत कम बात करता था, वो किनारे ही रहता था।